सावली हाई स्कूल सावली में शिक्षण विभाग, श्रम कौशल विभाग, रोजगार, आरोग्य, परिवहन कल्याण विभाग ना सहयोग थी तालुका कक्षा ना माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक ना उत्तीर्ण थयेला विद्यार्थियों ने भविष्य की कारकिर्दी बनावा नवी दिशा नवो फलक मार्गदर्शन सेमिनार नु आयोजन करायु हतु। राज्य सरकार द्वारा राज्यना अलग अलग तालुका में धोरण 9, 10 अने 12 में उत्तीर्ण थयेल विद्यार्थियों ने पोताना भविष्य कारकिर्दी निर्माण माटे योग्य दिशा मळे ते आश्रय थी नवी दिशा नव फलक अंतर्गत 1 થી 6 જૂન सुधी मुख्यमंत्री अने शिक्षण मंत्री की वर्च्युअली हाजरी में मार्गदर्शन सेमिनार नुं आयोजन करायुं हतुं, जे अंतर्गत सावली तालुका केळवणी मंडल संचालित सावली हाईस्कूल सावली में शिक्षण विभाग द्वारा श्रम कौशल्य अने रोजगार विभाग, आरोग्य परिवार कल्याण, कृषि अने पशुपालन विभाग संयोग थी तालुका कक्षाए माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों ने उज्ज्वल भविष्य निर्माण माटे नवी दिशा नवु फलक अंतर्गत कारकिर्दी मार्गदर्शन सेमिनार योजायो अने धोरण 9 10 12 पछी रोजगार लक्षी भणतर अने विविध प्रकारना कोर्स तेनी विशेषता अने प्रवेश केवी रीते क्या मेळवी शकाय तेनु मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं, जेमां 700 थी वधु विद्यार्थीओने आरोग्य विभागना मेडिकल ऑफिसर धीरेन बारोट, रोजगार अने तालीम विभाग वडोदराना जाहिदराज सावली, आईटीआईना एलवी चारण, केळवणी मंडळना प्रमुख अश्विनभाई परीख, आचार्य मुकेश पटेले विद्यार्थीओने मार्गदर्शन आपी प्रोत्साहित करी प्रेरित कर्या हता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल अने जीतुभाई वाघाणी शिक्षण मंत्रीए ऑन स्क्रीन वर्च्युअल हाजरी आपी हती अने भविष्य निर्माण मार्गदर्शन सेमिनारमां मार्गदर्शन मेळवी सफळ कारकिर्दीनो निर्माण करे ते माटे विद्यार्थीओने अभिनंदन पाठવી પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। નવી દિશા નવો ફલક શિક્ષણ વિભાગ આયોજિત શ્રમ અને રોજગાર કલ્યાણ વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ, આઈટીઆઈ तथा सामाजिक कृषि क्षेत्र विभाग द्वारा आज रोज सरकार द्वारा राज्य जुदा जुदा तालुकाओं में 1 થી 6 જૂન दरमियान कारकिर्दी मार्गदर्शन सेमिनार आयोजन करेलू है। ये खूब सराहनीय पगलू है। आ कारकिर्दी मार्गदर्शन द्वारा धोरण 9 થી 12ના तमाम विद्यार्थियों ने पोते कई कारकिर्दी में जवा मागे जेना माटेना नॉर्म्स शू है, कितनी लायकात जोई से, કેટલા ગુણાંકને અટકે છે, એ બધી જ માહિતી વિદ્યાર્થીઓને મળી રહેશે। અમારી શાળામાં સાવલી હાઈસ્કૂલ સાવલીની અંદર પણ આજે 1 જૂનના રોજ આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલું છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લગભગ 700 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આ કાર્યક્રમની અંદર ભાગ લીધેલો છે। તમામ વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 10 ધોરણ 12 બોર્ડની જાહેર પરીક્ષાઓ જાહેર પરીક્ષા દ્વારા કઈ રીતે જુદા જુદા હોદ્દાઓ ઉપર નોકરી મેળવી શકાય છે એ વિષય શ્રમ અને રોજગાર વિભાગમાંથી, આરોગ્ય વિભાગમાંથી, આઈટીઆઈની અંદરથી, શાળા દ્વારા અને જુદી જુદી શાળાના આચાર્યો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે। ઇકબાલ પઠાણ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, સાવલી।